मध्य प्रदेश के शिवनी मालवा में चुनाव नजदीक आते ही भाजपा में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति गरमाने लगी है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि और भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष देवी दयाल यादव ने विधायक सरताज सिंह पर निशाना साधते हुए नगर पालिका का एक बड़ा खुलासा किया है। देवी दयाल यादव ने खुले तौर पर कहा है कि विधायक सरताज सिंह के संरक्षण में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र जैन ने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। देवी दयाल यादव के मुताबिक नदी के सौंदर्यीकरण में 1,19,00,000 का भ्रष्टाचार विधायक सरताज सिंह के सामने हुआ है। साथ ही शिवराज पार्क में खुद ही मिट्टी डालने का भ्रष्टाचार भी उन्होंने बताया है। इतना ही नहीं, और कई अन्य मामलों में भी भ्रष्टाचार की पोल खोली गई और यहाँ तक कि टिकट पैसे से खरीदने के मामले में भी बात कही गई है। आइए देखते हैं कि किस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर शिवनी मालवा में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन की ईमानदारी के बारे में कहना माने सूरज को रोशनी दिखाना है। जो व्यक्ति घर बार छोड़कर कंधे पे एक झोला टांगकर देश सेवा में, पार्टी की सेवा में, संगठन की सेवा में निकलता है आदमी, जिसका घर नहीं होता, बार नहीं होता, परिवार नहीं होता है, तो वो पैसे का क्या करेगा? ऐसे व्यक्ति और ऐसे संगठन के ऊपर टिकट बिकने का आरोप लगाना श्री श्री ये सरताज सिंह जी की विकृत मानसिकता का माने उनका परिचय है। वो बहुत नर्वसता का पूर्वक उन्होंने ये बयान दिए हैं। और इस्टे बाइक के कोई भी मैंने टिकट के मैंने लेन देन ऐसा भारतीय जनता पार्टी में होता ही नहीं है, और अगर ऐसा हुआ है तो मैंने श्रीमान सरताज सिंह जी भी कैबिनेट मंत्री थे, उनकी उनके उसमें क्या है कि उन्होंने भी रायन कुमार जैन को टिकट दिलवाई, तो क्या रायन कुमार जैन से उन्होंने पैसे लिए क्या? और अगर लिए हैं तो कितने लिए हैं, इसके बारे में भी जनता को बताएं। जी ने काम किया, लेकिन उनकी पूरी टीम ने हमारे खिलाफ में चुनाव लड़ा और उन्होंने हमारे खिलाफ में भयंकर रूप से गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भ्रष्टाचार माने गंदे रूप में प्रचार किया, जिसमें उनके एल्डरमैन श्री छंगनलाल जी जरखरे थे और उन्होंने हमारे खिलाफ में नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। एल्डरमैन अनिल कुमार टिकलू अग्रवाल ने वार्ड नंबर 11 में सरेआम मैंने उसका मैंने विरोध किया पार्षद का। मैंने राजेश बाताओ, विनोद शर्मा, संतोष वर्मा, सावित्री बाई, अन्य कई लोगों ने हमारे खिलाफ में उनके पूर्व रीजन के पार्षदों ने हमारे खिलाफ में चुनाव लड़ा और उन्होंने पूरा माहौल खराब किया। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एहसान मानूँगा, मैं अपने साथियों और दोस्तों का भी एहसान मानूँ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर मुझे इस चुनाव में विजय सीधी दिलवाई। उसमें ये आरोप झूठे हैं। इसके अंदर विधायक के द्वारा आपने बताया कि कहा गया है आपके खिलाफ की अगर कार्रवाई की जाए ऐसे दोषियों के ऊपर नगर पालिका के खिलाफ, जबकि विधायक भी वो आपकी पार्टी भाजपा के ही है। इस मामले में मैं श्रीमान हमारे विधायक महोदय श्री सरताज सिंह जी से निवेदन करना चाहूँगा कि शिवनी मालवा नगर पालिका के ऊपर जो आरोप उन्होंने लगाया है दोषियों के प्रति कार्रवाई करने की मैंने अनुशंसा की है। मैं इसके लिए शिवनी मालवा नगर पालिका में पूर्व परिषद जो रायन कुमार जैन की थी उसके अध्यक्ष थे, उसमें कंदेली सौंदर्यीकरण में 1 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार आपकी नगर की आपके आंखों के सामने हुआ। कंदेली सौंदर्यीकरण में भ्रष्टाचार, अटल खेल परिषद में 700 ट्रक के लगभग के मुरम की समतलीकरण के बिल निकालने की कोशिश की गई, हमें धमकाया गया उन बिलों निकालने के लिए। वो भ्रष्टाचार की जाँच करवाने की कृपा करें श्री सरताज सिंह जी। शिवराज पार्क में जो भर्ती हुई है उस कंदेली नदी की खुदी हुई मिट्टी को खोदने का फेंकने का ठेका था और उसी मिट्टी को उन्होंने शिवराज पार्क में भर के डबल बिल निकाले, खोदने के बिल अलग निकाले और उसमें नगदी माने भर्ती करने के बिल अलग निकाले, जबकि मिट्टी एक थी। इनकी जांच करवाएं, मेरे विधायक महोदय से मेरा निवेदन है कि कृपया इसकी जाँच करवाएं। विधायक महोदय से मेरा निवेदन है कि ये कंदेली नदी के में जो सब्जी मंडी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है ये डूब क्षेत्र में है, डूब क्षेत्र की गाइडलाइन के अनुसार इतने फीट की दूरी पर निर्माण होना था उसके न करके डूब क्षेत्र में बनाया गया, इसलिए किसी भी दुकानदारों ने उस में किसी ने दुकानदारों ने दुकान लेने में
मैंने इच्छा जाहिर नहीं करी, क्योंकि डूब क्षेत्र के कारण कभी भी दुर्घटना होने की संभावना है। पूरा 1 करोड़ रुपए का निर्माण बेकार पड़ा हुआ है, जो कि शासन के पैसों का सरासर दुरुपयोग है किया गया है। कृपया अभ्यर्थन विधायक महोदय से मेरा निवेदन है कि उसकी जांच करवाएं। रेवा कॉम्प्लेक्स जो सुनी मालवा में नर्दमानी चौक पे बनाया गया है, जनता को बताया कुछ था और बनाया कुछ गया, कृपया इसकी भी जांच करवाने की कृपया करें सत्ता सिंह जी विधायक महोदय। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं स्वीकार करता हूँ, मेरी भारतीय जनता पार्टी का मैं स्वीकार करता हूँ, वो भी कार्यकर्ता है, हम भी कार्यकर्ता हैं, चीजें हुई है। मेरे मुताबिक इसमें पूरा पूरा उनका संरक्षण था, पूरे उनके देख रेख में उनके पूरे कार्य हो रहे थे। स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि इसमें उनका पूरा पूरा तीनों मैंने भ्रष्टाचारों में उनका संरक्षण था। भ्रष्टाचार के देख लिए सुनी मालवा का आप लोग बाईपास देखिए, बाईपास में 10 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, उनको जनरेटर में 1 लाख रुपए का भ्रष्टाचार दिख रहा है, उनको कोर्ट बनना क्लेम में 3 लाख रुपए का भ्रष्टाचार दिख रहा है। 1 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के बारे में सत्ता सिंह जी की क्या रहा है, ये कहाँ जांच करवाएंगे, इसकी कहाँ मैंने दोषियों को कौन सी सजा दिलवाएंगे। मेरा उनसे निवेदन है, कृपया मुझे हमें बताने की कृपा करें। आपको पता है इस समय चुनावी वर्ष चल रहा है और उसके बावजूद भी सिवनी मालवा में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी पे ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इस विषय में क्या कहेंगे आप? जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं प्रामाणिकता के आधार पर आदरणीय सरकार सिंह जी और राजेंद्र जैन जी के ऊपर आरोप लगाना चाहिए, और विगत 4 साल से जिस संस्था में हो उस संस्था में किए गए भ्रष्टाचार के बारे में ही आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो मैं पूछना चाहूँगा कि कहीं इन आरोप भ्रष्टाचार के आरोप जो लगाए हैं इसकी कहीं शिकायत कहीं थाने में की है क्या, या लोकायुक्त में या UOW या कलेक्टर प्रशासनिक अधिकारी में किसी भी लेवल पे की है क्या? अच्छा, ये नागरिक मोर्चा के ऊपर भी आरोप लगे हैं कि आपके कार्यालय में आपके सानिध्य में बैठकर ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रणनीति बनाई जाती है, ज्ञापन दिए जाते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े थे, वो विचारधारा कि महिलाओं का सम्मान और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, महिला के सम्मान के खातिर जब भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे चरम पर थी उस समय हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उस महिला के साथ खड़े हुए थे जो अपमानित की गई थी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जनों के द्वारा। और जहाँ तक आदरणीय सरताज सिंह जी का है सवाल है, तो वो तो परिवार के सदस्य हैं, कल भी उनका उतनी सम्मान था, आज भी है और आने वाले समय में भी उनका सम्मान रहेगा, और यही हमारी संस्कृति सिखाती है बुजुर्गों का सम्मान करना। मुद्दे और लड़ाई वैचारिक मतभेद एक अलग बात है। आपको लगता है जो इस समय स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सिवनी मालवा में, उससे आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है? इससे दयनीय स्थिति तो हो ही नहीं सकती। पार्टी के वरिष्ठ जनों को, जिम्मेदार लोगों को जो लगाए गए आरोप हैं उसकी जाँच होना चाहिए, और नगरपालिका अध्यक्ष पर जो कलेक्टर महोदय ने अनुशंसा की है धारा 1961 की 41 का के तहत शीघ्र कार्रवाई हो, और भ्रष्टाचार के विभिन्न मुद्दों पर जो नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर महोदय ने जो प्रामाणिकता के आधार पर सिद्ध की है भ्रष्टाचार वित्तीय अनियमितता है उस पर भी वो दोषी हैं और उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। मोर्चा के उपाध्यक्ष के द्वारा और नगरपालिका अध्यक्ष पति द्वारा जो वर्तमान विधायक और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष पर आरोप लगाए, इसके विषय में क्या कहना है आपका? मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा कि उन्होंने विधायक जी और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ कुछ आरोप लगाए। हमने और अपनी बात को अपने संगठन के माध्यम से रखूँगा, इस प्रकार से किसी से आरोप लगाना व्यक्तिगत ठीक नहीं होते। इन्होंने अगर भ्रष्टाचार किए तो उसको प्रमाण देंगे वो जी, और भ्रष्टाचार किया तो भ्रष्टाचारी को सजा, हम भ्रष्टाचारी के साथ नहीं है, उसको सजा मिलना चाहिए और उसकी जो उचित मांग होगी वो पूरी करेंगे। अच्छा, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के और भी पदाधिकारियों से जब बात करना चाह रहे हैं तो उन्होंने क्यों चुप्पी साध रखी है? आपने किन लोगों से बात करी मुझे पता नहीं, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप लगा रहे हैं, आपको पता होगा पिछड़ा मोर्चा के उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया है वर्तमान विधायक और
पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर, इसके विषय में क्या कहना है आपका? देखिए भाजपा, हम तो शुरू से करीब 4 साल हो गए हमारे, हम ये कहते आए हैं, हमेशा कहते रहे हैं कि भाजपा में जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे पिछले रिजीम हो, चाहे विधायक हो और चाहे ये आने वाली या अभी वाली रिजीम हो, ये सभी ने भ्रष्टाचार किया। अब क्या हुआ कि इनका भ्रष्टाचार हो गया उजागर, इनके पास कोई जवाब नहीं है। हमने कहा इनसे कि आप पब्लिक में आके उसका जवाब दें, अगर आप निर्दोष हैं तो आप पब्लिक में जवाब दें। जब इनका दोष सिद्ध हो गया है तो ये अपने साथियों पे मतलब आरोप लगाना शुरू कर दिए। हालांकि बेबी कोई दूध के दूल्हा नहीं है, उन्होंने भी बहुत भ्रष्टाचार किया है, लेकिन अभी हम तो अभी के फिलहाल का भ्रष्टाचार रोकना चाह रहे हैं। इन्होंने जैसे फोन क्लेम का भ्रष्टाचार किया, ये सिद्ध हो गया है, जनरेटर का सिद्ध हो गया है, और इन्होंने खुद ने भी सिद्ध कर दिया। ये उन्होंने बोला ना कि हमने 1 लाख का भ्रष्टाचार जनरेटर में किया है और 3 लाख का भ्रष्टाचार हमने LED पोल के क्लेम में किया है, ये दिख रहा है सरताज सिंह को। और राजू जैन ने जो उसके साथ मिल गया, आपने जो भ्रष्टाचार किया वो नहीं दिख रहा है। तो ये तो सरासर एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, मतलब ये सिद्ध होता है कि ये दोनों भ्रष्टाचारी हैं। भाजपा के पूरे लोग भ्रष्ट हैं, पूरे नेता भ्रष्ट हैं, संगठन क्यों नहीं बोल रहा? संगठन चुप होने का मतलब ये है कि संगठन भी इसमें संलिप्त है, संगठन के पास जा रहा है पैसा सर। ये जो परिस्थिति इस समय सिवनी मालवा में बन रही है, तो आगामी चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? तो आगामी चुनाव में फर्क तो पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर दिया यार, सारी जनता जानती है, और हमने इनका भ्रष्टाचार उजागर भी किया है। LED पोल क्लेम ले लो या जनता ले लो या फायर ब्रिगेड ले लो। अब आप फायर ब्रिगेड की देखिए, हमने इस ID से लगा के उसकी हमने निकलवाई है, तो उसमें 9 लाख रुपये में तो इन्होंने रिपेयरिंग करवाई पुरानी की, और वहीं 11 लाख रुपये में इन्होंने नई खरीदी। तो आप बताइए ना कि 11 लाख में नई और 9 लाख 90 हज़ार में सुधरवाई है, तो नई आ रही थी उतने में तो उसको बेच के 2 लाख रुपये और नगर पालिका का फायदा ही होता। स्टेशनरी भ्रष्टाचार, ये अपने जो अपने नल जल योजना है, इसमें भी 9 लाखों भ्रष्टाचार किया, इसका भी सबूत आपको सामने सरताज जी ने खुद नाच लगाया था इनके ऊपर कि एक दूसरे पर आरोप पड़ रहा है। ये सब भ्रष्टाचारी है, ये अपने आप लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव सामने है, संगठन किसको टिकट देगा, ये अपने एक दूसरे के दाव खेल रहे हैं और कुछ नहीं, सिर्फ राजनीति खेल रहा है। जनता इसमें पिस रही है, जनता इसमें लूट रही है। शिवनी मालवा से ये थी शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट।